हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वे जीव जो नग्न आंखों से, नेकेड आई से दिखाई नहीं देते और जिन्हें देखने के लिए विशेष सूक्ष्मदर्शियों की यानी कि माइक्रोस्कोप्स की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या शॉर्ट में माइक्रोब्स कहलाते हैं। माइक्रोब्स के जो एग्जाम्पल हैं वो जीवाणु, ईस्ट, प्रोटोजोन्स आदि होते हैं। और ये सभी सूक्ष्म जीव सामान्यतः कल्चर मीडियम में यानी कि संवर्धन माध्यम में इनको ग्रो कराया जा सकता है, इनको वृद्धि कराई जा सकती है, जिससे इनकी नई कॉलोनीज बनती हैं जिनसे इन्हें सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सके। और यही सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो अर्थात सूक्ष्म जीव वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते और जिनके देखने के लिए, जिनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शियों की, विशेष सूक्ष्मदर्शियों की आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप्स की आवश्यकता होती है। और ये संवर्धन माध्यम में वृद्धि करके, ग्रो करके कॉलोनीज बनाते हैं जिससे हम इनको आसानी से देख सकें। और यही सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं। अब हम सूक्ष्म जीवियों जो सूक्ष्म जीव हैं उनके हमारे जीवन में जो लाभ हम लेते हैं उनसे, यानी कि जो हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवियों का क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव क्या क्या रोल प्ले करते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो रोल है वो है घरेलू उत्पादों के, निर्माण में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जो हम घर में यूज करते हैं प्रोडक्ट, उनके निर्माण में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान होता है। उनमें जो सबसे पहला है वो है दही यानी कि कर्ड। दही यानी कि कर्ड का निर्माण प्राचीन समय से मनुष्य करता आ रहा है, जिसमें सूक्ष्म जीवियों का यूज होता है, सूक्ष्म जीवी उसमें यूज होते हैं। और सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? सूक्ष्मदर्शी और माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है बेटे? वे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी सहायता से हम छोटी चीजों को, छोटी वस्तुओं को, छोटे ऑर्गेनिज्म को बड़ा करके देखते हैं, हम उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। माइक्रो माने छोटा, और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम छोटे ऑर्गेनिज्म्स को, छोटी संरचनाओं को बड़ा करके देखते हैं, हम उन्हें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब जो दही है, उस दही का जो निर्माण है वो प्राचीन समय से किया जा रहा है, और इसमें जो यूज होने वाले बैक्टीरिया है वो है लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु होते हैं उनका यूज कर्ड बनाने में होता है, और इन्हें हम सामूहिक रूप से LAB कहते हैं। LAB का मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि लैक्टिक अम्ल जीवाणु, हिंदी में इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल जीवाणु। अब जो दही का निर्माण है उसमें जो दूध होता है, मिल्क होता है, उनमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसको दही में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन दही का जो फॉर्मेशन होता है, दही का जो निर्माण होता है, उसमें जो दही होती है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो दूध में जो लैक्टोज शुगर होती है यानी कि लैक्टोज शर्करा होती है, उसको जीवाणु लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है, इसको बदल देता है। और ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो जो
मिल्क की प्रोटीन होती है कैसीन, मिल्क में कैसीन प्रोटीन होती है, तो ये लैक्टिक अम्ल यानी कि जो लैक्टिक एसिड बना है ये कैसीन प्रोटीन पर काम करता है और इसको स्कंदित कर देता है, इसका स्कंदन कर देता है यानी कि को एगुलेशन करता है। स्कंदन यानी कि कोएगुलेशन का मतलब क्या है? तरल का, लिक्विड का, सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस और सॉलिड यानी कि ठोस में बदलना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कंदन यानी कि कोएगुलेशन कहते हैं। और इसके कारण ही ये इसका स्कंदन करती है प्लस आंशिक पाचन करती है, तो इसका आंशिक पाचन हो जाता है और जो स्कंदन हो जाता है जिससे अब ये दही में बदल जाएगी। अर्थात दूध से दही बदलने में सबसे पहले जो लैक्टोज शुगर होती है, तो ये जो LAB है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये जीवाणु इस लैक्टोज शुगर को, लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं। लैक्टिक अम्ल कैसीन प्रोटीन जो मिल्क की प्रोटीन होती है, ललिता टीयर में कौन सा एंजाइम होता है? टीयर में लाइसोजाइम होता है। अब जो लैक्टोज शर्करा है वो जीवाणु उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं और लैक्टिक अम्ल कैसीन प्रोटीन जो दूध की होती है उस पर कार्य करके उसका स्कंदन करता है, कोगुलेशन करता है और उसका आंशिक पाचन करता है, जिससे दूध जो होता है वो दही में कन्वर्ट होता है। दही जमाने के लिए, दही को बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा उसमें दही डालते हैं जिसे हम इनोकुलम बोलते हैं या स्टार्टर बोलते हैं, या इसको हम एक शॉट मतलब जो इनोकुलम होता है तो उसमें छोटा सा दही का जो एक मात्रा होती है छोटी सी वो दूध में मिलाते हैं जिसे हम इनोकुलम बोलते हैं, और इसमें लाखों LAB प्रेजेंट होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और ये अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं और ये दूध की जो लैक्टोज शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और लैक्टिक एसिड कैसीन प्रोटीन का स्कंदन कर देता है और आंशिक पाचन करके उसको दही में कन्वर्ट करता है। अब LAB के लाभ क्या है? LAB का पहला लाभ क्या है कि ये दूध से दही बनाता है। पहला लाभ तो यह है कि वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा, ये विटामिन B12, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ा देता है दही में, इसीलिए ये दही के पोषक मान को बढ़ा देते हैं जिससे इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, पोषक मान है, वो अधिक हो जाता है। तीसरा, जो ये रोगजनक जीवाणु होते हैं, जो रोगजनक जीवाणु होते हैं हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन में, आहार नाल में, उनको नष्ट करते हैं और नष्ट करके हमें विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, अर्थात हमें ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा टॉपिक जो, या दूसरा जो महत्व है हमारी हाउस होल्ड में यानी कि हमारे घरों में जो सूक्ष्म जीवों का, वो है चीज यानी कि पनीर। पनीर का निर्माण भी प्राचीन समय से होता आ रहा है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। जो पनीर का निर्माण है, इस पनीर के निर्माण के दौरान दूध का स्कंदन होता है और दूध से दो चीजें बनती हैं स्कंदन से, एक ठोस और एक तरल। जो दूध का स्कंदन होता है पनीर के निर्माण के दौरान तो उससे दो चीजें बनती है, एक लिक्विड यानी कि तरल और एक ठोस यानी कि सॉलिड, और तरल को वे बोलते हैं जबकि ठोस जो होता है वो पनीर कहलाता है। तो पनीर का जो निर्माण है, तो पनीर में स्कंदन होता है और स्कंदन का मतलब होता है लिक्विड का सॉलिड में यानी कि तरल का ठोस में या अर्ध ठोस में, सेमी सॉलिड में या सॉलिड में बदलना। जो बाजार में सामान्य पनीर मिलता है जिसे हम खरीदते हैं बाजार में, उसे हम कॉटेज पनीर बोलते हैं, कॉटेज
चीज़ या कॉटेज पनीर बोलते हैं, कॉटेज चीज़ कहते हैं। अब जो दो प्रकार के पनीर और होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, एक स्विस पनीर होता है। जो स्विस पनीर है, इस स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र होते हैं, बड़े बड़े छिद्र होते हैं, और ये बड़े बड़े छिद्रों का जो निर्माण होता है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, और वो बैक्टीरिया इसमें अधिक मात्रा में CO2 निकालता है, और CO2 निकालने से बड़े बड़े छिद्र होते हैं, और उस बैक्टीरिया का जो नाम है जिसके द्वारा ये बड़े बड़े छिद्र होते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रो पीओ नी बैक्टीरियम शारमेनी, शार मे नाई, प्रो पियो नी बैक्टीरियम शारमेनाई नामक जीवाणु के कारण स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र होते हैं। और ये बड़े बड़े छिद्रों का निर्माण क्यों होता है कि अधिक मात्रा में CO2 निकाली जाती है इसमें से, इसलिए इसमें बड़े बड़े छिद्रों का निर्माण होता है। दूसरा जो पनीर है वो है रॉक्यूफोर्ट, रॉक्यूफोर्ट पनीर। रॉक्यूफोर्ट पनीर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव यूज होता है वो होता है एक कवक पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, और रॉकफोर्टाई पनीर जो रॉकफोर्ट पनीर है उसमें पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई नामक कवक यूज होता है, और जो ओरिजिनल रॉकफोर्ट पनीर होता है उसके निर्माण में भेड़ के दूध का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीन प्रकार के पनीर होते हैं जो बेसिकली हम देखते हैं, एक कॉटेज पनीर जो हमें बाजार में मिलता है, एक होता है स्विस पनीर जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं, और वो किसके कारण होते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई नामक जीवाणु के कारण, और रॉक्यूफोर्ट पनीर जो होता है वो पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई नामक एक कवक के कारण होता है, और इसमें जो ओरिजिनल रॉक्यूफोर्ट जो होता है उसमें भेड़ के दूध का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो विशेष फ्लेवर्स होते हैं, विशेष टेस्ट होते हैं, विशेष संरचनाएं होती है, वो यूज़ होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज़ होने वाले सूक्ष्म जीवों पर निर्भर करते हैं। किसी भी पनीर का किसी जो टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, संरचना होती है, वो उसमें यूज़ होने वाले विशेष माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव पर निर्भर करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक। एंटी माने अगेंस्ट, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और तो एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविक वे केमिकल सब्सटेंस है, वे पदार्थ हैं जो किसी सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, और वो हानिकारक पोषक को जिसको वो दी जाती है, पोषक को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना हार्म करे या बहुत कम हार्म करे, जो अन्य सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न कर सकते हैं या रोग उत्पन्न कर रहे हैं उनकी वृद्धि को कम कर देती है, कर देते हैं या उन्हें मार देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। यानी कि एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, वे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्राप्त होते हैं, उससे वो प्राप्त होते हैं, और जिसको वो दिए जाते हैं पोषक को बिना नुकसान पहुंचाए या बहुत कम नुकसान पहुंचाए, अन्य सूक्ष्म जीवों की मृत्यु कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, वो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं।
अब एंटीबायोटिक जो होता है वो टर्म जो दिया था यानी कि जो शब्द दिया था वो सेलमन वॉक्स वॉक्समैन ने दिया था और इन्होंने दो एंटीबायोटिक्स को भी खोज करी जो एक्टिनोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन इन्होंने डिस्कवर्ड की। लेकिन जो पहली एंटीबायोटिक यानी कि जो प्रथम प्रतिजैविक था उसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। तो पहला जो एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक डिस्कवर्ड हुआ वो था पेनिसिलिन और वो यू जो फंगस जिससे वो हुआ पेनिसिलिनम नोटेटम से वो प्राप्त हुई थी। और जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक की जो डिस्कवरी हुई थी वो सेरेंडिटी का एग्जाम्पल है। सेरेंडिटी का मतलब होता है बाई चांस डिस्कवरी यानी कि हादसा। यानी कि वो इसकी खोज नहीं कर रहे थे, वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर अपना प्रयोग कर रहे थे तो उसके प्रयोग करते समय बाई चांस हादसे से या बाई चांस एक डिस्कवरी हो गई प्रतिजैविक की, लेकिन वो उसको कर नहीं रहे थे। इसको बोलते हैं हम सेरेंडिटी यानी कि बाई चांस डिस्कवरी, तो हादसे का है। और दो साइंटिस्ट थे फ्लोरी और चैन, चैन और फ्लोरी, चैन और फ्लोरे ने इस पेनिसिलिन को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक के रूप में इसकी पुष्टि की और उन्होंने बताया कि एक बहुत ही अच्छा प्रभावशाली शक्तिशाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। और इसी पेनिसिलिन की जो यूज था वो द्वितीय विश्व युद्ध में जो घायल अमेरिकन सैनिक थे उनके उपचार में हुआ और बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। और इसीलिए इसकी खोज के लिए चैन फ्लोरे और फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एंटीबायोटिक कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है शॉर्ट में भी कि एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, प्रति या दो एंटीबायोटिक्स के नाम लिखिए या प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था खोजा गया था या एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था। तो प्रतिजैविक वे पदार्थ होते हैं, वे सब्सटेंस होते हैं जो किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त होते हैं और किसी अन्य सूक्ष्म जीव की मृत्यु कर देते हैं या उसकी वृद्धि को रोक देते हैं और पोषक को नुकसान नहीं पहुंचाते। शब्द दिया था सेलमन वॉक्समैन ने, लेकिन प्रथम प्रतिजैविक जो डिस्कवर्ड किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और उन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर्ड की पेनिसिलियम नोटेटम से और वो सेरेंडिटी यानी कि बाई चांस डिस्कवरी का एग्जाम्पल है यानी कि हादसा था वो एक। और चैन और फ्लोरे ने ये बताया कि ये पेनिसिलिन जो होती है बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली एंटीबायोटिक होती है और इसका यूज़ द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकन जो घायल सैनिक थे उनके उपचार में किया गया। बाद में चैन फ्लोरी और फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार दिया इनकी खोज के लिए। इसके बाद अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सूक्ष्म जीवों का सीवेज के डिस्पोजल में, सीवेज के ट्रीटमेंट में जो रोल होता है वो क्या होता है। तो वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब
जो सीवेज यानी कि वाहितमल, वो सीवेज होता क्या है? घरों से और हॉस्पिटल से और अन्य संस्थानों से निकलने वाला मल, उसके साथ जो यूज होने वाला जल और अन्य जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब मिलकर वाहितमल यानी कि सीवेज बनाते हैं। और सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर बहुत अधिक मात्रा में होता है। सीवेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जो हानिकारक भी हो सकते हैं, जो पॉल्यूशन भी करते हैं। और अगर इन वाहित मलों को यानी कि सीवेज को एज इट इज बिना चेंज करे नदियों और अन्य जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है, तो वहां पर जाकर ये पॉल्यूशन करते हैं, प्रदूषण करते हैं और वहां जल को हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए इनको, सीवेज को, वाहित मल को नदियों और अन्य जल स्रोतों में डालने से पहले, या इरिगेशन यानी कि फसलों को पानी देने के लिए यूज करने से पहले, इसको प्राथमिक और द्वितीयक ट्रीटमेंट यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार और सेकेंडरी उपचार यानी कि द्वितीयक उपचार करने के बाद इसको छोड़ा जाता है। और अगर आवश्यकता होती है तो तृतीयक उपचार भी किया जाता है, टर्शरी ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। नॉर्मली लेकिन दो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक ट्रीटमेंट जो होता है वो फिजिकल होता है, अर्थात भौतिक होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग नहीं होता। द्वितीयक जो उपचार होता है वो नॉर्मली बायोलॉजिकल होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। और टर्शरी में नॉर्मली वो केमिकल होता है, जिसमें विभिन्न केमिकल्स की सहायता से पानी को शुद्ध किया जाता है। लेकिन नॉर्मली पहले दो ट्रीटमेंट ही दिए जाते हैं। तो जो वाहित मल है, सीवेज है, उसमें जो सबसे पहले ट्रीटमेंट होता है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, यानी कि प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी कि प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार करने के लिए सबसे पहले जो वाहित मल होता है, तो उस वाहित मल में तैरता हुआ जो कूड़ा होता है, तैरता हुआ कूड़ा जो उसमें ऊपर की तरफ तैरता हुआ कूड़ा होता है, जिसमें पन्नी हो सकती है, जिसमें लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, जिसमें कोई भी अन्य ऐसा सब्सटेंस या पदार्थ हो सकता है जो ऊपर तैर रहा है, तो सबसे पहले उस तैरते हुए कूड़े करकट को हम निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन द्वारा पृथक कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है फिजिकल ट्रीटमेंट में, प्राथमिक उपचार में, जो उसमें कूड़ा तैर रहा है ऊपर की तरफ, उसको हम किसी भी फिजिकल मेथड से उसको अलग कर लेते हैं और निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन से, छलनी वगैरह से उसको साफ कर लेते हैं, जिससे वो जो ऊपर का कूड़ा होता है वो तैरता वो पृथक हो जाता है। इससे बारीक कण, जो बारीक कण हैं, वो बारीक कण जो होते हैं वो प्राथमिक स्लज बनाते हैं, प्राइमरी स्लज। और जो प्लावी होता है, जो बाद बाकी होता है प्लावी, वो बाह्य स्राव कहलाता है, सुपरनिटेंट कहलाता है। तो जो बारीक कण होते हैं वो प्राथमिक स्लज बनाते हैं और वो पृथक हो जाते हैं और वो स्लज के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्राथमिक उपचार में हमने दो चीजें करी कि तैरते हुए कूड़े करकट को फिल्ट्रेशन से पृथक कर लिया, और उसके बाद जो बारीक कण थे वो प्राथमिक स्लज के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, और जो बाकी बचता है उसे हम बोलते हैं, शेष को बोलते हैं हम प्लावी बाह्यस्राव। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है यहां से। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी कि द्वितीयक उपचार स्टार्ट होता है यहां से। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो प्लावी बाह्य स्राव है उसको वातन टंकियों में भेजते हैं हम, यानी कि एरिएशन टैंक्स बोलते हैं इनको।
और एरिएशन का मतलब एयर से होता है, हमेशा वायु के लिए लगाते हैं, एयर के लिए लगाते हैं एरिएशन। तो इनको वातन टंकियों में भेजा जाता है, यानी कि जहां पर एयर होगी और वहां पर एयर यानी कि वायु यूज की जाती है। और वायु कैसी होती है, तेज वायु का यूज किया जाता है। और तेज वायु का यूज करने के साथ इससे जो ये है बहिस्राव है वो घूमता है, जो एयर है उसको तेजी से घुमाया जाता है, इससे बहिस्राव जो होता है वो घूमता है। और इससे घूमने से क्या होगा कि अब यहां पर जो वायवी है, सूक्ष्म जीव है, उनकी वृद्धि होगी, क्योंकि ये एरिएशन टैंक है, यहां पर एयर है, तो एयर यानी कि वायु होने का यहां पर जो वायवीय सूक्ष्म जीव है जो वायु की प्रेजेंस में श्वसन करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन होगा, वो अपने आप को संख्या बढ़ाएंगे, इससे उनकी संख्या जो होती है बढ़ती है। और ये वायवीय सूक्ष्म जीव जो बन गए हैं अब, वो अब क्या कहलाते हैं, ऊणक और फ्लॉक्स। फ्लॉक्स कहलाते हैं। लेकिन ये फ्लॉक्स होते क्या हैं? फ्लॉक्स में दो चीजें होती हैं बेसिकली, फंगस के माइसीलियम होता है, फंगस जो होते हैं यानी कि जो कवक होते हैं वो पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, धागे समान संरचनाओं से, बालों समान संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, हाइफी। और जो पूरा हाइफी का जो जाल होता है उसे हम माइसीलियम बोलते हैं। तो जो इसमें होता क्या फ्लॉक्स में, कि जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं, उनके तो हाइफी होते हैं और उनके बीच बीच में बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, और ये जीवाणु है। तो ये फ्लॉक्स बन जाते हैं। तो ये फ्लॉक्स का मतलब क्या है, कवक और जीवाणु जो एक साथ मिल गए हैं। अब जो ये फ्लॉक्स बन गए हैं, इन फ्लॉक्स का काम क्या होता है कि ये पानी की यानी कि सीवेज की या वाहित मल की, सीवेज की बीओडी को कम करते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, यानी कि 1 kg कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने में सूक्ष्म जीवों ने कितनी ऑक्सीजन यूज करी, इसको बीओडी कहते हैं। और किसी भी जल की बीओडी जितनी ज्यादा होती है उसमें पॉल्यूशन उतना ही ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट उतना ही ज्यादा होता है, कार्बनिक व्यर्थ पदार्थ उतने ही ज्यादा होते हैं। और पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, घुलित ऑक्सीजन है, वो उतनी ही कम होती जाती है। अर्थात बीओडी यानी कि जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन यूज किया है सूक्ष्म जीवों ने, और डीओ यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन, एक दूसरे के रिवर्स होती है, उल्टी होती है। अगर बीओडी बढ़ रही है तो डीओ घटेगी, और डीओ बढ़ रही है तो बीओडी घटती है, तो एक दूसरे के रिवर्स होती है। तो ये क्या काम करते हैं कि जो पानी के अंदर, सीवेज के अंदर, वाहित मल के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट था उसको वो अपघटित करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के कारण यहां उसकी बीओडी कम होती है, अर्थात डीओ बढ़ती है। हम ये भी कह सकते हैं कि सीवेज की जो बीओडी है वो कम होती है या डीओ बढ़ती है, क्योंकि यहां ऑर्गेनिक वेस्ट जो था उसका अब अपघटन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। अब जो बीओडी बढ़ने से क्या होगा, फ्लॉक्स भारी होने के कारण ये नीचे बैठ जाते हैं, फ्लॉक्स जो हैं भारी हैं वो इसलिए नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन बहिस्राव को यहां पर हम जो यहां पर जो बहिस्राव है उसको सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, सेटलिंग टैंक्स में भेजते हैं, और यहां पर वो फ्लॉक्स भारी होने के कारण
वो सेटल हो जाता है, और जो अब इसमें से फ्लॉक्स की थोड़ी सी मात्रा अब यहां पर डाल दी जाती है वातन टैंक में, इनोक्युलम के रूप में या स्टार्टर के रूप में या प्रारंभिक मात्रा को, इसको प्रारंभिक मात्रा कहते हैं, इस प्रारंभिक मात्रा के रूप में इसको डाल देते हैं, जिससे यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये यूज हो रहे हैं सूक्ष्म जीव, उनको सबसे पहले यहां से ही डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि इसको ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है, यहां से निकाल कर थोड़ा सा डालते रहते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव बढ़ते चले जाते हैं। अब जब फ्लॉक्स नीचे बैठ गए, सेटल हो गए, तो सेटल होने के बाद अब जो इन बाहिस्राव को, अब एक जगह लेकर जाते हैं जिसका नाम होता है संक्रमित आपंक, यानी कि एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, आपंक यानी कि एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं इसको। और एक्टिवेटेड स्लज में जो यहां से जो निकला जाता है, जो शेष भाग निकलता है, क्योंकि यहां पर जो अब एक्टिवेटेड स्लग में ले जाने के बाद जो शेष भाग होता है, उस शेष भाग को हम लेकर जाते हैं बड़े बड़े एवाईवी आपंक पर, बड़े बड़े ए वाईवी ए आपंक, यानी कि एन एरेबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है। यहां से जो एवाईवीए स्लज डाइजेस्टर में माइक्रोब्स होते हैं, वो होते हैं मिथेनोजेन, ये आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं, और ये मिथेनोजेन यहां पर बायोगैस या गोबर गैस प्रोड्यूस करते हैं, और ये बायोगैस को बाहर निकालकर यूज कर लिया जाता है। और जो अब बाहिस्राव यहां से बनेगा, वो साफ होकर निकला है, और अगर आवश्यक होता है तो अब क्या करेंगे, टर्शरी ट्रीटमेंट यानी कि तृतीयक उपचार करेंगे, और अगर नहीं है तो इसको नद वाटर में डाल देते हैं, अन्यथा इसको डायरेक्ट डाल देते हैं, और अगर आवश्यक होता है तो टर्शरी ट्रीटमेंट करके डाला जाता है। तो वाहितमल होता क्या है, वाहितमल का मतलब है घरों से निकलने वाला मल और उससे संबंधित पानी और अन्य पदार्थ, प्लस हॉस्पिटल्स और अन्य संस्थानों से निकलने वाले मल और उसके साथ जल और अन्य पदार्थ को हम सीवेज कहते हैं। सीवेज में ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक वेस्ट ज्यादा होता है। इसको साफ करने के लिए, इसको पानी में डालने से पहले साफ करते हैं, इसके लिए सबसे पहले जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें तैरता हुआ कूड़े करकट को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा पृथक कर लेते हैं, जिससे जो बारीक कण होते हैं स्लज के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, और जो शेष बचता है वो बाहर की तरफ जो निकलता है वो बाह्य स्राव कहलाता है, प्लावी बाह्य स्राव कहलाता है। अब इसको एरिएशन टैंक्स में यानी कि वातन टंकी में ले जाते हैं, जहां पर एयर का यूज किया था, तेज एयर का यूज किया था, जिससे भाई स्राव वहां घूमता है और वायवीय सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, क्योंकि यहां से एक्टिवेटेड स्लज से यहां पर सूक्ष्म जीवों को डाला जाता है, और इससे वायवीय सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, जिसे ऊणक या फ्लॉक्स कहते हैं। फ्लॉक्स में कवक और जीवाणु होते हैं, ये यहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन करेंगे, और इससे सीवेज की बीओडी घटती है, कम होती है, और डीओ बढ़ती है। अब इसको यहां से सेटलिंग टैंक्स में ले जाते हैं, और फ्लॉक्स जो होते हैं भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं, और अब इस बाह्य स्राव को संक्रमित आपंक एक्टिवेटेड स्लज में ले जाते हैं, और यहां से जो जो ये बाह्य स्राव होता है, अब इसको क्या बोलते हैं हम, संक्रमित आपंक यानी कि एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, और इस एक्टिवेटेड स्लज की ही थोड़ी सी मात्रा भी वहां पहुंचाई जाती है, और जो शेष जो एक्टिवेटेड स्लज होता है अब यहां पर, तो इस एक्टिवेटेड स्लज को अब हम बड़े बड़े एवाईवी आपंक में ले जाते हैं, जहां पर मिथेनोजेन जीवाणु वो आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं, जो इन ऑर्गेनिक वेस्ट का बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं इसको, और ये यूज कर ली जाती है। अब जो बहिस्राव निकलेगा, अगर उसको आवश्यकता होती है तो टर्शरी ट्रीटमेंट देते हैं, अन्यथा उसको एज इट इज जल स्रोतों में डाल देते हैं, अथवा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद ही डाल देते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता होती है तो तब हम उसको टर्शरी ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें
बायो फर्टिलाइजर्स। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। लेकिन जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि बायो फर्टिलाइजर्स या जैव उर्वरक का मतलब क्या है। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग यानी कि जीवित, और फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीवित जीव जिनका यूज फर्टिलाइजर्स की तरह किया था। फर्टिलाइजर्स उर्वरक क्या होते हैं? वे केमिकल पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उसके उत्पादन को बढ़ाते हैं, उसकी पैदावार को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उर्वरक कहलाते हैं, फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। तो जो जैव उर्वरक है वे जीव होते हैं जो मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग जीव जो मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं, और बेसिकली नाइट्रोजन और फास्फेट, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को वो बढ़ाते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स या जैव उर्वरक कहलाते हैं। यानी कि वे सूक्ष्म जीव जो मृदा में मुख्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाकर मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक कहलाते हैं। क्वेश्चन वो आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि जैव उर्वरकों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं चार जैव उर्वरकों का नाम लिखिए, या जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, या जैव उर्वरकों पर टिप्पणी लिखिए। किसी भी प्रकार से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए कि क्या वे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, बेसिकली नाइट्रेट और फास्फेट को बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक कहलाते हैं। या वे सूक्ष्म जीव जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थों को मृदा में बढ़ाते हैं या मृदा में पोषक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव उर्वरक उर्वरक जो होते हैं बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन स्त्री कारक जीवाणु, फिर यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दूसरे नाइट्रोजन स्त्री कारक साइनोबैक्टीरिया, और माइकोराइजा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले कि नाइट्रोजन जो वातावरणीय नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में होती है या N ट्रिपल बॉन्ड N के रूप में होती है, N2 के रूप में होती है। इस वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, विशेष रूप से NH4 में और अन्य यौगिकों में बदलना, जो N2 का
अमोनियम या अन्य यौगिकों में, नाइट्रोजनी यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो जो कुछ जीवाणु होते हैं वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं एक तो सहजीवी रूप में और एक स्वतंत्र जीवी। सहजीवी जीवाणु और दूसरे होते हैं स्वतंत्र जीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु किन्हें कहते हैं या सहजीवन क्या होता है? सिम्बायोसिस या म्यूटलिज्म, दो जीवों के बीच में एक ऐसा संबंध जिसमें दो जीव इस प्रकार से एक दूसरे के साथ रहते हैं कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, और उनका जो ये संबंध होता है वो नॉन ऑब्लिगेटरी होता है, अर्थात अविकल्पी होता है, अर्थात दोनों को अगर अलग कर दिया जाए तो दोनों सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ऐसा संबंध सहजीवन यानी कि सिम्बायोसिस कहलाता है, और ऐसे जीव सिम्बायोंट यानी कि सहजीवी कहलाते हैं। तो कुछ जीवाणु सहजीवी जीवाणु के रूप में रहते हैं और वो किसी न किसी अन्य ऑर्गेनिज्म के साथ, प्लांट के साथ इस प्रकार से दोनों साथ साथ रहते हैं कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, और दोनों का सर्वाइवल उनके संबंध पर निर्भर करता है। और जो सहजीवी जीवाणु का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है राइजोबियम। राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में रहता है। अनेक प्लांट जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये जो गांठें होती हैं, ये जो नोड्यूल्स होते हैं, इनके अंदर राइजोबियम प्रेजेंट होता है, और इसकी एक दर्जन स्पीशीज होती हैं जो अलग अलग प्लांट्स में सहजीवी संबंध बनाती हैं, और यहाँ बैठे बैठे ये नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जिससे प्लांट उसको यूज कर लेता है। क्योंकि प्लांट्स में जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो उसके लिए यूज होता है। प्लांट, अधिकांश प्लांट इसको नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन यूज इसको NH4 प्लस के फॉर्म में यानी कि अमोनियम के रूप में करते हैं, क्योंकि नाइट्रेट हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, अत्यधिक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है नाइट्रोजन की, इसीलिए वो अन्य जो यौगिक होंगे उनको नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए इसको पहले वो नाइट्रेट को, पहले जो बॉडी में नाइट्रेट जो ली जाती है नाइट्रोजन, वो नाइट्रेट के रूप में ली जाती है, लेकिन उसको यूज किसके फॉर्म में करते हैं? NH4 के फॉर्म में की जाती है। तो राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, सहजीवी संबंध बनाता है, और वहां पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके अलावा जो स्वतंत्र जीवी जीवाणु होते हैं वो किसी भी जीव के साथ संबंध में नहीं रहते, वो वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, और लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने के बावजूद भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक सहजीवी जीवाणु का एग्जाम्पल लिखिए या दो स्वतंत्र जीवी जीवाणुओं का एग्जाम्पल लिखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हो। तो अब इसके जो एग्जाम्पल जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं वो है एजेटोबैक्टर, एजो स्पाइरुलम, क्लॉस ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर, एजिरोस्पाइरुलम और क्लॉस्ट्रीडियम और बैसिलस आदि जो हैं ये सहजीवी नहीं होते हैं और ये स्वतंत्र जीवी जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसी प्रकार से जो साइनोबैक्टीरिया है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें पहले नीले हरे शैवाल कहते थे, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। और ये जो पहले ऐसे जीव है, पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी प्रकाश संश्लेषण
वायवीय होती है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन निकलती है। और पृथ्वी पर जब पहली बार ऑक्सीजन बनी थी तो इन्हीं साइनोबैक्टीरिया ने, यानी कि नीले हरे शैवालों ने पहली बार ऑक्सीजन रिलीज करी। इससे पहले किसी भी जीव की जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, क्योंकि उनमें जो हाइड्रोजन दाता होता है वो वाटर नहीं होता, जल नहीं होता। लेकिन इनमें पहली बार ऐसा हुआ कि जिनमें जो फोटोसिंथेसिस थी, प्रकाश संश्लेषण था, उसमें ऑक्सीजन रिलीज हुई। और अर्थ पर पहली बार जब ऑक्सीजन बनी वो भी इन्हीं ने ही निकाली, और इनसे पहले किसी भी जीव में वो क्षमता नहीं होती कि उनकी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन रिलीज हो। इनसे आगे जीवों में अधिकांश में फोटोसिंथेसिस ऐसी ही होती है जिसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी दो रूप में करते हैं, एक वही सहजीवी संबंध के रूप में और दूसरा स्वतंत्र जीवी। दो फॉर्म में करते हैं। सहजीवी जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो इसके जो एग्जाम्पल है वो एजोला की लीफ में होते हैं, एजोला टेरिडोफाइटा होता है उसकी लीफ में होते हैं, साइकस की कोरोलाइड रूट्स में होते हैं, एंथोसिरोस के थैलस में होते हैं आदि इसके एग्जाम्पल हैं। और जो एजोला है उसकी लीफ में एनाबिना और साइनोबैक्टीरिया होता है। और जो एजोला है, अगर एजोला को धान के साथ बोया जाता है तो धान के साथ इसका यूज किया जाता है, तो इसके अंदर जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के कारण वहां पर जो धान की पैदावार होती है वो 50% तक बढ़ जाती है। कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र जीवी के रूप में रहते हैं, जैसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका ओल्यूसिरा, ये स्वतंत्र जीवी साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अब माइकोराइजा होता क्या है? माइकोराइजा की जो डेफिनेशन है वो है कि जो कवक है यानी कि फंगस और उच्च पादपों विशेषकर जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावरत बीजी की जड़ों, तो कवक यानी कि फंगस और उच्च पादपों, ये विशेषकर से जिम्नोस्पर्म की जो जड़ है यानी कि अनावरत बीजी पादपों की जो जड़ है, उनके बीच में जो सहजीवी संबंध होता है इसको हम माइकोराइजा कहते हैं। अर्थात माइकोराइजा की डेफिनेशन क्या होती है कि कवकों तथा उच्च पादपों विशेषकर से जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पादपों की जड़ों के बीच पाए जाने वाले सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा से दोनों जीवों को लाभ होता है। कवक में भोजन पदार्थ या भोज्य पदार्थ या भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए ये पादपों से भोजन प्राप्त करता है, जड़ों से भोजन प्राप्त कर लेता है, और कवक अनेक लाभ देता है जो पादपों को फायदा पहुंचाते हैं। अब जो सबसे बड़ा फायदा है माइकोराइजा का, जो सबसे पहला काम होता है माइकोराइजा का, वो होता है वो जल तथा फास्फोरस के अवशोषण में हेल्प करते हैं। जो माइकोराइजा के कवक होते हैं वो अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे पादप आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और उनके वृद्धि में और अन्य कार्यों में वो फास्फोरस यूज होती है। दूसरा, जो सॉयल बॉर्न डिजीज होती है, यानी कि जो डिजीज मृदा जन्य होती है, यानी कि जो डिजीज, जो रोग मृदा से पादपों में होते हैं, उनका जो मृदा
से जो रोग होते हैं पादपों में, मृदजन सोयलबोन, उनसे माइकोराइजा के कारण सुरक्षा मिलती है। तीसरा जो काम है वो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में रूट हेयर की तरह काम करने लगते हैं, यानी कि मूल रोमों की तरह काम करने लगते हैं। जो प्लांट्स में रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं जो मुख्यतः जल के अवशोषण में हेल्प करते हैं, उसकी तरह काम करने लगते हैं। और चौथा कि कुछ विशेष ग्रोथ फैक्टर यानी कि वृद्धि कारक जो होते हैं वो कवक इन पादपों को प्रदान करता है, जिससे प्लांट्स की अत्यधिक ग्रोथ होती है। आज के इस लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे आप जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके लिए जो आपको चार्ट दिया गया है